सो so, कई बार एथिक्स जो होते हैं मोरालिटी मेनी टाइम्स कमन कॉन्फ्लिक्टेट द लॉगर हैड फॉर एग्जाम्पल दैट योर क्लाइंट हैज़ कमिटेड द क्राइम यू आर अ डिफेंस लॉयर एंड योर क्राइम हैज़ योर क्लाइंट हैज़ कमिटेड द क्राइम सपोज एक रेपिस्ट है आपको पता है उसने रेप किया है आप बहुत ही श्योर हो तब भी आप उसका केस लड़े हो तो यहाँ पर योर एथिक्स एंड मोरालिटी आर एट लॉगर है आपको पता है उस रेपिट को सजा होनी चाहिए लेकिन आप उसका केस लड़े हो टू एज अ डिफेंस लॉयर यू हैव टू डू एवरी थिंग टू सेव योर क्लाइंट तो यहाँ पे एक एथिक्स एंड मोरालिटी लॉगर हेड में आती है डिफेंस लॉयर के केस में वैन योर क्लाइंट हैज़ कमिटेड द क्राइम और डॉक्टर के केस में आता है वैन पेशेंट हैज़ कमिटेड द हीनियस क्राइम तो एक प्रोफेशनल एथिक्स होता है एक पर्सनल एथिक्स होता है तो वो लॉगर हेड में आ जाता है सो पेशेंट हैज़ कमिटेड द हीनियस क्राइम सो एथिक्स जो होता है इट इज़ बेस्ड ऑन द सोसाइटल नॉर्म्स सो वैन कॉडिफाइड इट बिकम्स अ लॉ जब आपके एथिक्स होते हैं सोसाइटी के कॉडिफाई कर दिया जाते हैं इट बिकम्स द लॉ एथिक्सर बेस्ड ऑन सोसाइटल नॉर्म्स सोसाइटल नॉर्म्स क्या है ये कस्टमरी प्रैक्टिसज हैं। एक्जिस्टिंग सिंस एजेस फॉर एग्जाम्पल कास्ट में शादी करनी है तो so, ऐसा कोई लॉ नहीं बना इसके लिए लेकिन एक कस्टमरी प्रैक्टिस चल रही है दैट इज एग्जिस्टिंग सिंस एजेस सो कास्ट इज ए कस्टमरी प्रैक्टिस प्रैक्टिस दैट एक्जिस्टिंग दैट इज एक्सिस्टिंग सिंस एजेस फॉर एग्जाम्पल वेजिटेरियनिज्म नॉन वेजिटेरियनिज्म एंड वेगन तो ये क्या है आपके नॉम्स हैं चेंज हो रहे हैं सोसाइटी के फॉर एग्जाम्पल राजा राजा राम मोहन रॉय का इंडिविजुअल मॉरल ठीक है जो सती था इंडिविजुअल मॉरल था सक्ती के अगेंस्ट दैट बिकम द लॉ एंड लॉ ग्रेजुअली चेंज द एथिक्स ऑफ द सोसाइटी लॉ ग्रेजुअली चेंज द एथिक्स ऑफ द सोसाइटी होमोसेक्सुअलिटी ठीक है जो नास फाउंडेशन के मॉरल थे तो उन्होंने लॉ लाई ठीक है रिकमलाइज किया होमोसेक्सुअलिटी को थ्रू द लॉ अब लॉ के अकॉर्डिंग अब जो लॉ बनाई है उसके अकॉर्डिंग विल चेंज द एटीट्यूड ऑफ द पीपल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे सती के लिए क्या था एक्सेप्टेंस थी फिर लॉ आया लॉ से धीरे धीरे एक्सेप्टेंस कम एक्सेप्टेंस कम हुई वैसे ही जो होमोसेक्सुअलिटी के लिए भी लॉ आया है डिसक्रिमलाइज किया होमोसेक्सुअलिटी को धीरे धीरे इट विल ब्रिंग एटीट्यूडनल चेंज अमंग पीपल अब कुछ लॉ रिग्रेसिव होती है फॉर एग्जाम्पल सेक्शन सिक्सटी सिक्स ऑफ आई टी एक्ट टू थाउजेंड इट इज अ रिग्रेसिव लॉ सो एथिक्स ऑफ द सोसाइटी फोर्स द लॉ टू चेंज सो सिक्सटी सिक्स कैपिटल इट इज एग्रेसिव लॉ दैट इज एथिक्स ऑफ द सोसाइटी फोर्स द लॉ टू बी चेंज सो इंडिविजुअल मॉरल मॉरल थ्रो कॉडिफिकेशन विद एथिक्स और लॉ ट्राई टू चेंज द मॉरल्स ऑफ द पीपल और एथिक्स टू इम्पोज एथिक्स वी ब्रिंग द लॉ और लॉ कैन ब्रिंग एथिक्स टू द सोसाइटी फॉर एग्जाम्पल यू सी सी सबरीमला वी नीड टू गिव टाइम टू द सोसायटी टू बिकम इट एथिक्स वी नीड टू गिव टाइम टू द सोसाइटी तो कोई भी अगर सोशल चेंज लाना हो तो इट शुड नॉट भी वेरी ड्रास्टिक ड्रास्टिक सोशल चेंज अगर लाना शुड बी ग्रेजुअल एंड शुड बी एक्सेप्टेड बाई द सोसाइटी एट लार्ज जैसे यू सी सी हो गया सबरीमला हो गया तो इम्पोज नहीं होने चाहिए सोशल चेंजेस शुड नेवर बी इम्पोज इट शुड बी वॉर्क फ्रॉम विद इन द सोसाइटी एंड शुड गिव टाइम सो दैट इट बिकम द एथिक्स ऑफ द सोसाइटी ग्रेजुअली सो इंडिविजुअल मॉरल्स होते हैं वो क्या होते हैं वो एथिक्स में बन जाते हैं जैसे राजा राम मोहन रोहेगा इंडिविजअुल मॉरल अगेन्स द एथिक्स ऑफ द सोसाइटी और जो सोसाइटल एथिक्स है थ्रू सोशलाइजेशन बिकम्स योर मॉरल और वैन सीन इन द प्रजेंट जब हम वैल्यूज़ को देखते हैं तो वैल्यूज़ क्या होते हैं ये राइट एंड रॉन्ग के हम प्रिजेंट में देखते हैं वैल्यूज़ को दैन इट बिकम्स मॉरल्स और एथिक्स वैन वैल्यूज़ आर सीन इन द प्रजम ऑफ प्रिज्म ऑफ जब हम प्रिज्म ये सपोज तो जो वैल्यूज़ आर सीन इन द प्रिजम ऑफ राइट एंड रॉन्ग इट बिकम्स योर मॉरल्स एथिक्स सो यू बिलीव डिसाइड योर वैल्यू योर बिलीव सिस्टम डिसाइड योर वैल्यूज़ सो वैल्यूज़ इज़ ए जनरल जरनल डिटर्मिनेंट ऑफ बिहेवियर आप किस तरीके से बिहेव करोगे आपके वैल्यू सिस्टम पर डिपेंड करता है फॉर एग्जाम्पल आज आप उठ के अच्छे से पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे आपका वैल्यू सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है आप पढ़ाई को कितना सीरियसली लेते हो आप अपने ऊपर कितना कॉन्फिडेंट हो तो आपका वैल्यू सिस्टम है बहुत ही स्ट्रॉग वैल्यू सिस्टम आपको क्या करेगा एक्शन लेने को बाधित करेगा तो ये आपका जनरल डिटर्मिनेंट ऑफ बिहेवियर कोई बंदा बहुत पढ़ता तो है उसको पता है उसका एटीट्यूड क्या रहेगा कोई बंदा नहीं पड़ता उसका एटीट्यूड पता कैसा रहेगा तो वैल्यू इज अ जनरल डिटर्मिनेंट ऑफ बिहेवियर जब इसको ऑब्जेक्ट से ज्यादा जोड़ देते हैं सो द जनरल डिटर्मिनेंट ऑफ द बिहेवियर ऑब्जेक्ट एड बिकम योर एटीट्यूड दैट इज योर स्पेसिफिक डिटर्मिनेट ऑफ बिहेवियर टू डी यू बी डिटर्मिनेंट ऑफ बिहेवियर तो वैल्यूज आपका जनरल डिटर्मिनट ऑफ बिहेवियर बताती है लेकिन जो आपका एटीट्यूड है वो स्पेसिफिक डिटर्मिनेंट ऑफ बिहेवियर बताता है और जो आपके वैल्यूज आते हैं दे कम फ्रॉम योर बिलीफ सिस्टम तो बिलीफ सिस्टम जितना स्ट्रॉग होगा उतना ही अच्छे से आप पढ़ पाओगे उतने ही आपकी वैल्यूज स्ट्रांग होंगी और जब आप उसे ऑब्जेक्ट्स के साथ जोड़ दोगे तो दैट विल बिकम योर एटीट्यूड फॉर एग्जाम्पल आपका बिलीफ सिस्टम है कि बहुत हार्ड वर्क करना चाहिए आपका वैल्यू क्या है हार्ड वर्क की वैल्यू है बिलीफ सिस्टम है हार्ड वर्क से ही सब कुछ मिलता आपका system, है आपका बिलीफ सिस्टम है उससे वैल्यू है हार्ड वर्क की और फिर जब आपने उसमें अपने गोल से जोड़ दिया तो वो आपका एटीट्यूड बन गया एटीट्यूड ऑफ सक्सेस एटीट्यूड ऑफ पॉजिटिविटी एटीट्यूड ऑफ हार्डवर्क योर वैल्यू इज़ इमरजेस फ्रॉम योर बिलीफ सिस्टम सो so, आपके जो कोर बिलीव्स होते हैं तो पेफेरो बिलीव्स होते हैं कोर बिलीव सेंटर में होते हैं जो चेंज नहीं होते इजिली कोर बिलीव बेस्ड ऑन प्रेफ्रेस विद रिस्पेक्ट टू गुड और बैड डिजायरेबल और अनडिज़ायरेबल आपके बिलीव्स किस पे बेस्ड होते हैं गुड और बैड डिज़ायरेबल और अनडिजायरेबल बिकम योर वैल्यू द कोर बिलीव बेस्ड ऑन प्रेफरेंस ऑफ गुड और बैड और डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल बिकम्स अ वैल्यू सो वैल्यू क्या हैज़ अ लार्जेस्ट कैनवास वास विच सब्ज्यूम ऑल अदर एस्पेक्ट्स लार्जेस्ट कैनवास वाज अ वैल्यू जो सारे एक्सपेक्ट को कवर कर लेता है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ऑब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ दोगे तो वो आपका एटीट्यूड हो जाएगा लेकिन वैल्यू के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो इट इजिपेंडें इंडिपेंडेंट ऑफ ऑब्जेक्ट सो इट इज़ जनरल डिटर्मिनेंट ऑफ बिहेवियर बट इट डज नॉट गारंटीड जनरल डिटर्मिनेंट है वैल्यू आपका बिहेवियर का लेकिन गारंटी नहीं करता है. तो इट इज़ जनरल डिटर्मिनेंट ऑफ बिहेवियर बट इट डज नॉट गारंटीड सो वैल्यू इज़ द वर्थ वी अलोकेट टू समथिंग इट इज़ अ गाइडिंग फोर्स फॉर एक्जाम्पल वैल्यू ऑफ पीस हमारा वैल्यू क्या है पीस का तो किसी ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ रही है फॉर इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ बिहेवियर so, peace तो इट इज़ जनरल योर वैल्यू इज़ अ जनरल डिटर्मिनट ऑफ बिहेवियर बट इट डू नॉट गारंटीड आप बहुत पीसफुल हो आप पीस एज अ वैल्यू फॉलो करते हो लेकिन कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए सपोज किसी ने आपके रियल बहुत ही क्लोज़ रिलेटिव को थप्पड़ मार दिया तो आपको गुस्सा आ जाएगा उस टाइम आप मार दोगे तो आपका वैसे तो वैल्यू पीस है लेकिन वो जनरल डिटर्मिनेंट ऑफ बिहेवियर जनरल आप पीसफुल रहते हो लेकिन कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशन में यू कैन बी वायलेंट तो फॉर एग्जाम्पल वैल्यू क्या है पेट्रीआर की और इसमें एटीट्यूड क्या होगा जब आप इसे गर्ल्स के साथ जोड़ दोगे वैल्यू क्या है पेटीआर लेकिन आप पेटीआर को आपने एक लड़की के साथ जुड़ दिया तो आपका एटीट्यूड क्या होगा कि लड़की को स्कूल नहीं भेजना है हो सकता है आप भेज भी दो तो आपका एटीट्यूड अलग हो क्योंकि सोसाइटी का प्रेशर हो तो आपका जो वैल्यू है वो जनरल डिटर्मिनेंट ऑफ बिहेवियर है एटीट्यूड हमारा आपका स्पेसिफिक डिटर्मिनेंट ऑफ बिहेवियर सो योर बिलीफ सिस्टम डिटर्मन योर वैल्यू एंड वैल्यू वैन जस्ट ऑन द बेस्ड ऑफ गुड और बैड बिकम्स यर मॉरल्स और एथिक्स वैन वैल्यू इज़ ऑब्जेक्ट आई बिकम योर एटीट्यूड So your value is a general determinant of behavior and your attitude is a specific determinant of behavior. So value is general determinant determinant of behavior and attitude is specific determinant of behavior. That is GDB and SDB. Sari value you cannot see from the prism of right and wrong. That value you can see From the prism of right and wrong becomes your ethics and morals. सो so, जैसे ब्यूटी है इट कैन नॉट बिकम एथिक्स एंड मॉरल्स एड आप ब्यूटी को राइट right या सही या गलत नहीं बोल सकते सो इट बिकम इट विल नॉट कॉन बिकम मॉरल्स और एथिक्स सो जो वैल्यू जिनको हम देख सकते हैं फ्रॉम द प्रिज़म ऑफ राइट एंड रॉन्ग बिकम्स योर मॉरल एथिक्स सो दोज़ वैल्यू विच यू कैन सी फ्रॉम द प्रिजम ऑफ राइट एंड रॉन्ग दैट विकम योर मॉरल्स और एथिक्स सो कोर बिलीव इज वेरी डिफिकल टू चेंज फार एग्जाम्पल पेट्री आर के इज़ वेरी डिफिकल्ट टू चेंज फॉर एक्साम्पल कास्ट सिस्टम इज़ वेरी कोर बिलीव ऑफ पीपल सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू चेंज वैल्यू जो है ठीक है वो हमारे कोर बिलीव होता है एंड दैट इज़ एवर लास्टिंग तब चलता रहता है दैट वी अटैच इम्पोर्टेंस टू इट इट इज़ प्रिफर्ड फॉर एग्जाम्पल करेज प्रिफर्ड बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट तो करेज को प्रीफर किया जाता है वाई बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट